हेलो, लंच टाइम हो गया है। टाइम हो गया है 2 o'clock, दोपहर के 2 बज गए हैं। आज मैंने नॉर्मल खाना ही बनाया है, दाल आलू मेथी की भाजी, चावल, रोटी, और ये है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा गरम करना है। ये गाजर का हलवा सुबह सुबह नहीं बना है, ये बना है कल जब पार्टी से आए थे उसके बाद रात को बना है। गाजर किसके रखी थी इसलिए जल्दी बन गया। किसा किसने गाजर को किसने किसा हमारे मियाँ जी ने कल गाजर पीस दिया था इसलिए जल्दी से हलवा रेडी हो गया था। हाँ, ये रागी के नड्डे हैं, ओजस्विनी मेला से लेके आए थे, और ये पापड़ लहसुन वाले, और चटनी बनी है भाई। चटनी चटनी तो दिखाओ यार। आलू मेथी की सब्जी के साथ चटनी तो बहुत जरूरी है। ये धनिया पत्ती और टमाटर की चटनी है। लंच हो गया हम लोगों का और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। ये जो फ्राई किया था नट्टे और पापड़ वगैरह, तो इनको थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई कर लिया था। अब इसको ये बंद डिब्बे में भर के रख देंगे। गाजर का हलवा सच में बहुत टेस्टी बना है, तो अगर आप लोग उसकी रेसिपी देखना चाहते हैं मैं कैसे बनाती हूँ गाजर का हलवा, तो आप लोग आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं वहाँ लगा दूंगी। और यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर अभी मैं गई थी, बहुत तेज़ धूप है और अचानक ही बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब होने लगी है, और मॉर्निंग में और इवनिंग बस में थोड़ा ठंडक रहती है, तो अब तो गर्मी आ गई है, पूरा किचन फैला हुआ है। अब मैं किचन समेटूंगी, कब व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मैं आपको फिर कल मिलूंगी। ओके, बाय बाय। ऑफिस जाने का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट बन गया। आज हम लोगों को कहीं लंच में जाना है इसलिए आज खाने की छुट्टी। बाय। बाय। ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत हेल्दी भी है, और ये आपका पेट भी बहुत जल्दी भर जाता है। आप 2 ब्रेड खा लो तो मतलब अच्छा लगता है। ये रेसिपी मैं आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन में दे दूंगी, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। मैंने उसमें वहाँ डिटेल्स में बताया है, उस वीडियो में मैंने बताया था ना मॉर्निंग कि मुझे कहीं जाना है लंच में, तो आज मेरे जेठ जी और जेठानी जी का वेडिंग एनिवर्सरी है, 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं और सृष्टि यहाँ से जा रहे हैं और ऑफिस से ही हस्बैंड को पिकअप कर लेंगे और फिर हम तीनों वहाँ से निकल जाएंगे। तो मैं रेडी हो गई हूँ, बस सृष्टि तैयार हो रही है। नेक्स्ट टाइम मुझे जश्न आएगा तो मैं आपको पहले से ही बता दूंगी, तो आप लोग वहाँ से परचेस कर लीजिएगा। मैंने ये स्कर्ट वहीं से खरीदा है, बहुत ही अच्छा लगा। गिफ्ट तो मैं कुछ नहीं ले जा रही हूँ, सिर्फ केक मंगा लिया है, केक ले जा रही हूँ, और घर में गाजर का हलवा बनाया था तो वो लेकर जा रही हूँ। तैयार हो गई तुम? अरे वाह, तुमने भी नया वाला पहना, आज तो न्यू पेंच आज हम दोनों ने न्यू पहना है। ये सृष्टि का टॉप है, ये इसने वेबसाइट से लिया था। दिखाओ जरा अपना पूरा। वाव, अच्छा लग रहा है टॉप, वेरी नाइस। बहुत कॉस्टली मिलते हैं लेकिन वेस्ट साइड में,
आई थिंक ये 1000 का होगा, है ना? 1000 का था ना? हाँ, ये 1000 का टॉप है, सैम समदड़िया में, समदड़िया में वेस्ट साइड है, वहां से लिया था। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। आज भैया भाभी की वेडिंग है, 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, तो कैसा लग रहा आप लोगों को? अरे बहुत मजा तो नहीं आ रहा, चलो ठीक है, हम तो के साथ लेकिन कोई बात नहीं, फिर से मना लेंगे। भाभी पुणे से आई है स्पेशली इसी के लिए। और ये भाभी की सिस्टर है, सैडोल में रहती है, वहाँ से ये भी आई है। सन सेलिब्रेशन, हाँ वो पक जाती है ना तो अच्छी रहती है, और ज्यादा पक जाती है। हाँ ये बेर कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत दिन बाद मैंने बेर देखे, फ्रेश बेर। जाओ तुम भी बीनो, हम लोग बेर बीन रहे हैं। ऐसा होता है, ये देखो गिर जा रहे नाजुक से, ये देखो ना इसके लेयर, फिर ये पंखुड़ी फटती है उसके अंदर से, वो कटल निकलता है, ये ऐसे फ्रूट निकलता है जैकफ्रूट। अच्छा। ये देखो डंडा खत्म है, ये मालूम है 50% गिर जाते हैं। अच्छा, लास्ट के 10% बस बड़े हो पाते हैं।